तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एम्पलीफायर आपके लिए। तो बेसिकली आपका एम्पलीफायर जो होता है वो दो टाइप से ऑपरेट करता है, ठीक है। फर्स्ट होता है आपका लो फ्रीक्वेंसी रीजन ऑफ ऑपरेशन, सेकंड होता है आपका हाई फ्रीक्वेंसी रीजन ऑफ ऑपरेशन, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग लो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑपरेशन से। सेकंड चैप्टर होगा हमारा हाई फ्रीक्वेंसी, उसके बाद हमारे लिए आएगा फीडबैक एम्पलीफायर वगैरह वाला पार्ट, ठीक है। तो एक बेसिक फिगर बनाया मैं आपके लिए एम्पलीफायर का, ठीक। एक ब्लैक बॉक्स ड्रॉ किया हूं, इस पर लिखा हूं मैं ये एम्पलीफायर है, ठीक है। ब्लैक बॉक्स ड्रॉ किया हूं, उसको लिखा हूं मैं ये एम्पलीफायर है, ठीक है। मतलब ये जो सर्किट है इसके अंदर एक सर्किटरी होगी, इसके अंदर एक सर्किटरी होगी, वो क्या काम करने वाला है आपके लिए एज अ एम्पलीफायर, वो आपके लिए बिहेव करने वाला है, ठीक है। एक सर्किटरी रहेगी इसके अंदर, वो आपके लिए एज अ एम्पलीफायर बिहेव करने वाला है। अब एम्पलीफायर होता क्या है, ठीक है, एम्पलीफायर का बेसिक मीनिंग क्या होता है, ठीक है। तो एम्पलीफायर का मतलब ये होता है कि एम्पलीफायर में हम लोग एक सोर्स सिग्नल प्रोवाइड करते हैं, एक सोर्स सिग्नल इनपुट में प्रोवाइड करेंगे एम्पलीफायर के, उसके पावर लेवल को बूस्ट करता है, उसके पावर लेवल को वो बूस्ट करता है, उसको हम लोग बोलते हैं आपके लिए एम्पलीफायर। जो भी सोर्स में अप्लाई करूंगा इसके इनपुट में, जो भी सोर्स, ठीक है, एक रैंडम मैग्नीट्यूड का, एक रैंडम फ्रीक्वेंसी का सोर्स अप्लाई करूंगा इसके इनपुट में, तो जो भी मुझको आउटपुट साइड में वोल्टेज मिलेगा या आउटपुट साइड में जो सिग्नल मिलेगा उसको क्या करेगा यह एम्पलीफायर सर्किट, बूस्ट करेगा, ठीक है। उसके पावर लेवल को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पे ये एम्पलीफायर है, ठीक है, इस एम्पलीफायर को देता हूँ मैं इनपुट। ये एम्पलीफायर क्या है, ट्रांजिस्टर है, बीजेटी है, मॉस्फेट है, वो फिलहाल मेरा कंसर्न नहीं है, ठीक है। एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, एम्पलीफायर क्या होता है वो देखते हैं, ठीक। तो क्या करता हूँ मैं यहाँ पे आपके लिए, इसको मैं इनपुट प्रोवाइड करता हूँ, ठीक। ये हो गया इसका इनपुट वाला टर्मिनल, ठीक, ये इसका इनपुट टर्मिनल हो गया। इसको मैं आपके लिए एक सोर्स प्रोवाइड करता हूँ, एक वोल्टेज सप्लाई प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। अब लोगों को आइडिया होगा एक बेसिक प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स और आइडियल वोल्टेज सोर्स के बारे में, ठीक है। तो जो भी प्रैक्टिकली यूज करते हैं हम लोग, वो आपके लिए प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स ही होता है, ठीक है। अगर एक आइडियल वोल्टेज सोर्स की बात करूं तो उसका खुद का कोई भी सोर्स इंपेडेंस नहीं होता है, उसका खुद का कोई भी सोर्स इंपेडेंस या सोर्स रेजिस्टेंस नहीं होता है, ठीक है। लेकिन एक प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का अपना एक सोर्स रेजिस्टेंस भी होता है, ठीक। तो मैं एक एसी सप्लाई ले रहा हूं यहां पे, ठीक है, एक एसी सप्लाई ले रहा हूं मैं यहां पे आपके लिए, और इसका खुद का एक सोर्स रेजिस्टेंस भी है, ठीक है। तो ऐसा कनेक्ट कर दिया मैं इसको, ये मैं एम्पलीफायर में एक्सटर्नली कनेक्ट किया, ठीक है। इसको मैं एम्पलीफायर में एक्सटर्नली कनेक्ट किया, ये हो गया मेरा ये एक एसी सोर्स। देखो सिंबल बना के रखा हूं मैं आपके लिए एसी का, ठीक है। एसी का मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी है इसकी फाइनाइट फ्रीक्वेंसी। एक डीसी वोल्टेज का फ्रीक्वेंसी जीरो होता है, जीरो हर्ट्ज होता है, लेकिन जो आपका एक एसी सिग्नल है इसका फ्रीक्वेंसी एक फाइनाइट नंबर होगा, क्लियर। तो आपके लिए ये हो गया ये सोर्स सिग्नल, ये हो गया आपके लिए सोर्स सिग्नल, ठीक। ये आइडियल वोल्टेज सोर्स नहीं है, ये आपके लिए आइडियल वोल्टेज सोर्स नहीं है, ये आपके लिए प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स है। प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स है मतलब क्या, इसका एक इंटरनल इंपीडेंस भी एग्जिस्ट करेगा, इसका एक इंटरनल इंपीडेंस भी एग्जिस्ट करेगा, ठीक। उस इंटरनल इंपीडेंस की वैल्यू आर एस मान लिया मैं, इस इंटरनल इंपीडेंस की वैल्यू क्या मान लिया मैं आपके लिए, आर एस मान लिया। अब मैं क्या बोल रहा हूं, इस एम्पलीफायर का मेजर काम क्या है, जो मैं इनपुट सोर्स वोल्टेज दिया हूं, जो मैं इनपुट सोर्स वोल्टेज दिया हूं, इसको एम्पलीफाई करके दे, इसको एम्पलीफाई करके मुझको आउटपुट में दे, ठीक है। एम्पलीफाई करने का मतलब क्या है, एम्पलीफाई करने का मतलब ये कि जो इसका मैग्नीट्यूड है, जो इसका वीएस है, इसका जो मैग्नीट्यूड रहेगा उसको इंक्रीज करे, उसके लेवल को इंक्रीज करे। अगर यहां पर मैं ड्रॉ करूं आपके लिए इसका ग्राफ, ठीक, ये मैं आपका वीएस का ग्राफ ड्रॉ किया, ठीक। तो ऐसा एक यहां पर सपोज करो ये वोल्टेज है, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड सपोज कर लो वीएम है, ठीक, ये हो गया माइनस वीएम, ठीक है, ये हो गया मेरा वीएस का ग्राफ। तो जो भी मुझको आउटपुट में वोल्टेज सोर्स मिलेगा, जो भी आउटपुट में सिग्नल मिलेगा, उसका जो लेवल होगा, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा, वो वीएम से ज्यादा होगा। अगर वीएम से ज्यादा होगा तो ही हम बोलेंगे कि ये एम्पलीफायर की तरह बिहेव कर रहा है। अगर वीएम से ज्यादा होगा तो ही मैं बोलूंगा एम्पलीफायर की तरह बिहेव कर रहा है। अब वीएम से ज्यादा होगा इसका मतलब क्या है, ठीक है। पावर के बारे में सुने हो आप लोग, है ना, पावर क्या होता है आपके लिए, वोल्टेज और करंट का प्रोडक्ट, इसको हम लोग बोलते हैं पावर, ठीक है। आई स्क्वायर आर भी बोलते हैं पावर को हम लोग, वी स्क्वायर बाय आर भी बोलते हैं पावर को हम लोग, ठीक है। तो जो भी इनपुट लेवल का पावर है, जो भी मेरा इनपुट सोर्स जो वी एस ड्रॉ किया हूं, इसका पावर है, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ये वी एस पे डिपेंड कर रहा है। जो मैग्नीट्यूड है वी एस का, जो वी एम मैग्नीट्यूड है, उस पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो आउटपुट में जो सिग्नल मिल रहा है उसका पावर लेवल उससे ज्यादा होना चाहिए, आउटपुट में जो सिग्नल मिल रहा है उसका पावर लेवल इनपुट से ज्यादा होना चाहिए, ठीक। अब हमको आउटपुट लेना है, फिलहाल मैं क्या किया हूं आपके लिए इनपुट दे पाया हूं, फिलहाल मैं आपके लिए इनपुट दे पाया हूं, ठीक है। अब हमको इसमें आउटपुट भी लेना है, आउटपुट लेना है तो आउटपुट हम लोग कहां से लेते हैं, लोड से लेते हैं। आउटपुट हम लोग कहां से लेते हैं, लोड से लेते हैं, ठीक है। मैं ओपन सर्किट आउटपुट नहीं लेने वाला हूं, ओपन सर्किट आउटपुट यहां पर नहीं लेने वाला हूं। मैं क्या करता हूं यहां पर आउटपुट टर्मिनल ड्रॉ करता हूं, जैसे इनपुट टर्मिनल ड्रॉ किया था, ये मैं ड्रॉ किया आपके लिए आउटपुट टर्मिनल, ठीक।
और इसके आउटपुट में मैं आपके लिए लोड कनेक्ट करता हूँ, उसके आउटपुट में मैं आपके लिए एक लोड कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है, उस लोड से मैं आउटपुट लूंगा, उस लोड से मैं आउटपुट लूंगा, ठीक। तो यहाँ पे एक लोड लगाता हूँ मैं, ठीक है, प्योरली रजिस्टिव लोड लगा देता हूँ आपके लिए, ठीक। ये हो गया मेरा रजिस्टेंस, ठीक, इसकी वैल्यू मान लो आप आर, एक रजिस्टेंस आर, ठीक है। इस आर के थ्रू मैं आउटपुट लूंगा, इस आर के अक्रॉस जो वोल्टेज आ रहा है इसको मैं आउटपुट बोलूंगा आपके लिए, ठीक। तो इस आर के अक्रॉस एक वोल्टेज अपीयर होगा, ये हो जाएगा मेरे लिए वी नॉट। इस आर के अक्रॉस जो वोल्टेज अपीयर होगा ये हो जाएगा मेरे लिए वी नॉट, ठीक। तो मैं ड्रॉ करता हूं यहां पे इसका वेव फॉर्म, ये इसका वेव फॉर्म ड्रॉ किया मैं। तो इसका जो वेव फॉर्म रहेगा उसका एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा होगा, इसका जो वेव फॉर्म होगा उसका एम्पलीट्यूड बहुत ही ज्यादा होगा इनपुट के कंपैरिजन में। अगर आउटपुट वेव फॉर्म का एम्पलीट्यूड इनपुट वेव फॉर्म के कंपैरिजन में ज्यादा है तो ही इसको मैं एम्पलीफायर बोलूंगा, अदरवाइज मैं इसको एम्पलीफायर नहीं बोलूंगा। क्लियर हुआ? तो ये आउटपुट में मिला मुझको ये सिग्नल, ठीक, ये हो गया सिग्नल मेरे लिए वी नॉट, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूं कि जो मैं इनपुट में लगाया था ये सिग्नल वी एस, जो सोर्स लगाया था मैं, ठीक, इसका पावर लेवल पिन है, इसका पावर लेवल, इसका पावर को मैं पिन बोला, ठीक। आउटपुट में जो सिग्नल आ रहा है इसके पावर को मैं पी आउट बोल रहा हूँ, ठीक, इसके पावर को मैं क्या बोल रहा हूँ, पी आउट बोल रहा हूँ, क्लियर। तो पी आउट शुड बी ग्रेटर देन पिन, पी आउट शुड बी ग्रेटर देन पिन, तभी ये एम्पलीफायर की तरह बिहेव करेगा, तभी आपके लिए एम्पलीफायर की तरह बिहेव करेगा। अगर आपके आउटपुट का पावर लेवल और इनपुट का पावर लेवल बराबर हो गया तो ये एम्पलीफायर की तरह बिहेव नहीं करेगा, उस केस में हम बोलेंगे इसको बफर, उस केस में हम लोग क्या बोलेंगे इसको बफर, ठीक है। अगर आपके आउटपुट का पावर लेवल इनपुट के पावर लेवल से कम है तो उसको हम एम्पलीफायर नहीं बोल सकते, तब हम क्या बोलेंगे उसको एट्यूनेटर, ठीक है, हम क्या बोलेंगे उसको एट्यूनेटर। तो आपके लिए एक सर्किट को मैं तीन पार्ट में क्लासिफाई कर सकता हूं, अगर आपके आउटपुट वाले का पावर लेवल इनपुट के पावर लेवल से ज्यादा है तो वो एम्पलीफायर है, अगर इनपुट आउटपुट का पावर लेवल बराबर तब फिर होगा आपके लिए बफर, ठीक है, और अगर इनपुट का पावर लेवल ज्यादा है आउटपुट के पावर लेवल से तब हो जाएगा आपके लिए एट्यूनेटर। क्लियर हुआ सबको? तो ये एक फिगर ड्रॉ किया मैं आपके लिए, एम्पलीफायर का एक ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ किया, ठीक है, अब इसको ड्रॉ मत करना, बताता हूँ आपको और थोड़ा सा सुनते रहो अभी, है ना। ये एम्पलीफायर का एक बेसिक फिगर ड्रॉ किया, एक्चुअली जो मैं ब्लैक कलर से स्केच किया हूँ आपके, जो एम्पलीफायर आपको दिख रहा है, ठीक है, इस पे मैं दो एक्सटर्नल कनेक्शन किया हूँ, जो ब्लू कलर से बनाया हूँ आपके लिए एक्सटर्नल कनेक्शन है ना, ये एम्पलीफायर नहीं है, वो एक्सटर्नल कनेक्शन है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एक नोड दिख रहा है, ये हो गया नोड वन, ठीक है, ये फर्स्ट नोड, ये हो गया आपके लिए सेकेंड नोड, वन डैश बोल दिया इसको मैं, ठीक, ये हो गया मेरा सेकेंड नोड, ठीक, और ये हो गया सेकेंड डैश, टोटल आपको चार नोड दिख रहे होंगे, वन वन डैश टू टू डैश, चार नोड दिख रहे हैं आपको, ठीक है। तो एक चार नोड के अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं टू पोर्ट नेटवर्क, एक चार नोड के अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं टू पोर्ट नेटवर्क, ठीक। तो बेसिकली क्या है, ये आपके लिए टू पोर्ट नेटवर्क की तरह है, ये क्या है आपके लिए टू पोर्ट नेटवर्क की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक। अब टू पोर्ट नेटवर्क अगर मैं बोल के रखा हूं तो मुझे कुछ कुछ यहाँ पे मार्क करना है, कुछ कुछ वोल्टेजेस मार्क करना है, जिसको हम लोग पोर्ट वोल्टेज बोलते हैं या फिर पोर्ट करंट बोलते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक वोल्टेज लिखता हूं प्लस माइनस वी वन, ठीक, ये इनपुट पोर्ट का वोल्टेज है, प्लस माइनस वी वन लिखा मैं इनपुट पोर्ट का वोल्टेज, ठीक। मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक करंट, ठीक है, ये हो गया करंट आई वन मेरे लिए, ये क्या हो गया मेरे लिए करंट आई वन, ठीक। वैसे ही मैं आउटपुट में एक वोल्टेज मार्क किया, ये वोल्टेज हो गया मेरे लिए बराबर V2, और ये हो गया मेरे लिए करंट I2, ठीक। V1, V2, I1 और I2, ये है मेरे लिए पोर्ट वोल्टेज और पोर्ट करंट। एक टू पोर्ट नेटवर्क में हमेशा आपके लिए वोल्टेज और करंट लिखने का स्टाइल ऐसा ही होता है, ठीक है। आप दो वोल्टेज मार्क करते हो, इनकमिंग करंट मार्क करते हो, दोनों साइड इनकमिंग करंट मार्क करते हो, ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड स्टाइल होता है इसमें लिखने का आपके लिए वोल्टेज और करंट एक टू पोर्ट नेटवर्क में, ठीक है। तो एक्चुअली एम्पलीफायर एक डिवाइस है मेरे लिए, एक्चुअली एक एम्पलीफायर डिवाइस है मेरे लिए। हो सकता है कि ये ट्रांजिस्टर हो, बीजेटी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर हो सकता है कि ये मॉस्फेट हो सकता है कि ये आपके लिए फेट हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन जो भी आपके लिए ट्रांजिस्टर है वो आपके लिए एम्पलीफायर की तरह बिहेव करेगा, और वो टू पोर्ट नेटवर्क की तरह बिहेव करेगा। कैसे बिहेव करेगा हम देखेंगे, टू पोर्ट नेटवर्क की तरह, लेकिन फिलहाल क्या करेगा आपके लिए, टू पोर्ट नेटवर्क की तरह बिहेव करेगा। इसमें मैं एक्सटर्नल कनेक्शन करूंगा, इसमें मैं एक्सटर्नल कनेक्शन करूंगा, एक होगा वहां पे मेरे लिए सोर्स और एक होगा मेरे लिए लोड। इनपुट पोर्ट में मैं सोर्स लूंगा, आउटपुट पोर्ट में मैं लोड लगाऊंगा और वहां से मैं वोल्टेज लूंगा, क्लियर। तो ये हो गया मेरे लिए पूरा का पूरा सोर्स वाला कनेक्शन, ठीक, ये पूरा का पूरा कनेक्शन मेरे लिए किस लिए है, सोर्स के, ये हो गया मेरे लिए पूरा सोर्स वाला पार्ट, ठीक।
ये हो गया मेरे लिए क्या सोर्स, ठीक। वैसे ही जो आउटपुट में कनेक्शन किया हूँ ये वाला मैं, ठीक, ये जो आउटपुट में कनेक्शन हुआ है मेरे लिए, ये हो गया मेरे लिए लोड, ठीक। ये क्या है मेरे लिए लोड है, ठीक। तो एक एम्पलीफायर डिवाइस में एक प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स लगाया, एम्पलीफायर डिवाइस में एक प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स लगाया जिसकी अपनी खुद की एक फाइनाइट फ्रीक्वेंसी है, डीसी सिग्नल नहीं है, वो क्या है आपके लिए एसी सिग्नल है। उसके बाद आउटपुट में मैं एक लोड लगाया हूं जिससे मैं आपका आउटपुट ले रहा हूं, क्लियर। तो ये बना आपके लिए एक स्टैंडर्ड एम्पलीफायर का फिगर, ठीक। इस फिगर को अपने कॉपी में ड्रॉ करो। एम्पलीफायर इज अ डिवाइस, एम्पलीफायर इज अ डिवाइस विच इज यूज फॉर, एम्पलीफायर इज अ डिवाइस which is used for boosting the, which is used for boosting the power level, which is used for boosting the power level of input signal, which is used for boosting the power level of input signal, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे इसमें, for amplification generally, for amplification generally we use, for amplification generally we use BJT, we use BJT, MOSFET and JFET, ठीक है। एम्पलीफिकेशन के लिए हम लोग तीन टाइप के डिवाइस यूज करते हैं। बीजेटी होता है जिसको हम लोग बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर बोलते हैं, ठीक है। एक होता है आपके लिए मॉस्फेट जिसको हम लोग बोलते हैं मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, एक होता है आपका जेफेट जिसको हम लोग बोलते हैं जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ठीक है। तीनों में से कोई भी डिवाइस को आप एज अ एम्पलीफायर यूज कर सकते हो, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट लिखो इसमें, फॉर एम्पलीफिकेशन डिवाइस शुड बी इन प्रॉपर रीजन, for amplification device should be in proper region, for amplification device should be in proper region, ठीक है। कोई भी एक रैंडम ट्रांजिस्टर आपके लिए एम्पलीफायर की तरह बिहेव नहीं कर सकता, कोई भी एक रैंडम मॉसफेट भी आपके लिए एम्पलीफायर की तरह बिहेव नहीं कर सकता, ठीक है। आपको उसको बायस करना पड़ता है, आपको उसकी प्रॉपर बायसिंग करनी पड़ती है सो दैट वो आपके लिए एक स्पेशल रीजन में आए और उसके बाद वो बिहेव करेगा एम्पलीफायर की तरह। डायोड के बारे में जानते हैं सब लोग, डायोड सुने हैं सब लोग, ठीक है। डायोड आपके लिए एक टू टर्मिनल डिवाइस होता है, ठीक है। डायोड को हम लोग क्यों यूज करते हैं, डायोड को हम लोग स्विचिंग के लिए यूज करते हैं। डायोड ऐसा स्विच बिहेव करता है, या तो ऑन हो सकता है या तो ऑफ हो सकता है, ठीक है, डायोड आपके लिए, ठीक। जो आपका ट्रांजिस्टर होता है, ट्रांजिस्टर आपके लिए थ्री टर्मिनल डिवाइस होता है, ठीक। ट्रांजिस्टर आपके लिए थ्री टर्मिनल डिवाइस होता है, ट्रांजिस्टर आपके लिए स्विच की तरह बिहेव कर सकता है, ट्रांजिस्टर भी आपके लिए स्विच की तरह बिहेव कर सकता है। देखो डायोड भी आपके लिए स्विच की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। ट्रांजिस्टर भी आपके लिए स्विच की तरह बिहेव कर सकता है। डायोड का दो कंडीशन होता है, एक ऑन कंडीशन होता है, एक ऑफ कंडीशन होता है। ऑन ऑफ होता है इस कारण हम लोग स्विच बोलते हैं उसको, ठीक। ट्रांजिस्टर भी आपके लिए स्विच की तरह बिहेव कर सकता है, कट ऑफ रीजन में चल देगा तो ऑफ स्विच की तरह बिहेव करेगा, सेचुरेशन रीजन में चल देगा तो ऑन स्विच की तरह बिहेव करेगा, लेकिन बीच में एक जोन आता है एक्टिव रीजन वाला, आपको ट्रांजिस्टर को उसी रीजन में बायस करना होगा, उसकी बायसिंग करनी होगी, ठीक। जब ट्रांजिस्टर आपका एक्टिव रीजन में मेंटेन्ड रहेगा तब ट्रांजिस्टर आपके लिए एम्पलीफायर की तरह बिहेव करेगा। इस कारण मैं आपको एक पॉइंट लिखवाया कि फॉर एम्पलीफिकेशन डिवाइस शुड बी इन प्रॉपर रीजन। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, फॉर एम्पलीफिकेशन BJT should be in active region, for amplification BJT should be in active region and MOSFET should be in saturation region, ठीक है। तो एम्पलीफिकेशन एक्शन परफॉर्म करने के लिए जो आपका बीजेटी है इसको एक्टिव रीजन में होना पड़ता है, ठीक है। एक्टिव रीजन में क्या होता है आपके लिए, जो आपका ऑफ वाला रीजन है, जो आपका ट्रांजिस्टर कट ऑफ वाले रीजन में, वो आपके लिए ऑफ स्विच की तरह बिहेव करता है, उसको हम लोग फुली ऑफ भी बोलते हैं, ठीक है। पूरे तरीके से वहां पर ट्रांजिस्टर आपका ऑफ ही होता है, ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है वहां पर, ठीक है। अगर मैं ट्रांजिस्टर की सेचुरेशन रीजन में बात कर रहा हूं, है ना, तो सेचुरेशन रीजन में क्या होता है, ट्रांजिस्टर आपके लिए फुली ऑन होता है, शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है, ठीक है। शॉर्ट सर्किट होना मतलब क्या, ऑन स्विच, ठीक है। ओपन सर्किट होना मतलब ऑफ स्विच, ठीक।
लेकिन एक्टिव रीजन में आपका ट्रांजिस्टर जो होता है वो हाफ ऑन हाफ ऑफ रहता है, ठीक है। तो वहां पे टेंडेंसी आती है उसकी एम्पलीफिकेशन करने की, ट्रांजिस्टर अपना एम्पलीफिकेशन एक्शन जो है वो एक्टिव रीजन में ले सकता है, लेकिन जो आपका मॉस्फेट होता है वो आपके लिए एम्पलीफिकेशन जो है वो सेचुरेशन रीजन में लेता है, ठीक है। तो मॉस्फेट, फेट और आपका बीजेटी कोई भी आपके लिए एम्पलीफायर की तरह बिहेव कर सकता है, लेकिन उसके लिए आपको उस डिवाइस को प्रॉपर रीजन में मेंटेन करना बहुत जरूरी है। अगर आपका ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में है तभी वो एम्पलीफायर की तरह बिहेव करेगा, अदरवाइज वो एम्पलीफायर की तरह बिहेव नहीं करेगा। आप उसको कट ऑफ रीजन में रख दोगे या आप उसको क्या बोलते हैं सैचुरेशन रीजन में रख दोगे तो कुछ ना कुछ पार्ट क्लिप हो जाएगा आपके इनपुट सिग्नल का, कुछ ना कुछ पार्ट क्लिप हो जाएगा। मतलब क्लिप हो जाएगा मतलब क्या, ये इतना पूरा सिग्नल आपको नहीं मिलेगा, कुछ पार्ट कट जाएगा इसका, ठीक है, अगर आप कट ऑफ या एक्टिव सैचुरेशन रीजन में रखोगे तो, ठीक। अब आपको अगर ट्रांजिस्टर को बायस करना है, बायस करना है मतलब क्या, उसको फोर्सफुली आपको किसी एक रीजन में रखना है, उसको फोर्सफुली आपको किसी एक एक्टिव रीजन में मेंटेन रखना है। बायस करना मतलब क्या होता है, एक रीजन में मेंटेन करके रखना फोर्सफुली, ठीक है। तो उस रीजन में मेंटेन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डीसी सप्लाई का यूज करते हैं। यहाँ पे जो मैं अलग से सप्लाई लगा के रखा हूँ डीसी सप्लाई, ये आपका बायसिंग वोल्टेज है, ये आपका बायसिंग वोल्टेज है, ठीक है। जो आपका ट्रांजिस्टर है उसको बायस करने के लिए हम लोग डीसी सप्लाई दे के रखे हैं, ठीक है। डीसी सप्लाई, रजिस्टर, इन सब की हेल्प से हम लोग एक ट्रांजिस्टर को बायस करते हैं। बायस करते हैं मतलब क्या, एक्टिव रीजन में रखते हैं सो दैट वो एम्पलीफायर की तरह बिहेव कर सके। अगर मेरे को ट्रांजिस्टर से स्विचिंग कराना होगा, ऑन रखना होगा, ऑफ रखना होगा, तो बिल्कुल मैं इसकी वोल्टेज की वैल्यू को चेंज कर दूंगा, तो हो सकता है कि वो सैचुरेशन रीजन में चल दे, ठीक है, हो सकता है वो कट ऑफ रीजन में चल दे। तो एक एक्सटर्नल वोल्टेज डिसाइड करेगा आपके लिए कि ट्रांजिस्टर आपका कहाँ पे जा रहा है। एक्चुअली सिर्फ वोल्टेज अकेले डिसाइड नहीं करेगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू, बायसिंग रजिस्टर की वैल्यू कैसे सेलेक्ट कर रहे हो उस पर भी डिपेंडेंसी रहेगी, ठीक है। तो ये हम लोग के लिए हुआ एक बेसिक एम्पलीफायर का फिगर, ठीक है, ये एक बेसिक एम्पलीफायर का फिगर हुआ मेरे लिए। अब एम्पलीफायर में आते हैं बहुत सारे पैरामीटर्स, ठीक है, एम्पलीफायर में आते हैं बहुत सारे पैरामीटर्स। अब एम्पलीफायर बनाया क्यों मैं, ताकि अपने आउटपुट के लेवल को बूस्ट कर सकूं, है ना, बूस्ट कर सकूं। तो मुझको पता होना चाहिए कि भाई ये पर्टिकुलर एम्पलीफायर जो है ना कितना बूस्ट कर सकता है। उस मेजर को हम लोग बोलते हैं गेन, उस मेजर को हम लोग बोलते हैं गेन, ठीक है। तो अगर मैं इस एम्पलीफायर की गेन की बात करूं, अगर इस एम्पलीफायर की मैं गेन की बात करूं, तो देखो यहां पे क्या हो जाएगा मेरे लिए, इनपुट वोल्टेज क्या है मेरे लिए Vs, ये Vs मेरे लिए इनपुट वोल्टेज है, आउटपुट वोल्टेज क्या है मेरे लिए V0, ठीक। तो अगर मैं गेन की बात करूं केवल, तो ये हो जाएगा मेरे लिए वोल्टेज गेन, ठीक। वोल्टेज गेन को मैं लिखूंगा V0 अपॉन Vs, ठीक, इसको मैं लिखूंगा अपना वोल्टेज गेन, ठीक। ये हो जाएगा मेरे लिए क्या, वोल्टेज गेन, ठीक, ओवरऑल वोल्टेज गेन, ठीक है, ओवरऑल वोल्टेज गेन। इसको देखो कैसे डिफाइन किया मैं, वी नॉट बाय वी एस। वी नॉट क्या है, मेरा आउटपुट वोल्टेज है, आउटपुट वोल्टेज मतलब क्या, वोल्ट्स में रहेगा, ठीक है। वी एस क्या है, मेरा इनपुट वोल्टेज है, इनपुट वोल्टेज है वो भी वोल्ट्स में रहेगा, ठीक। तो वोल्ट्स और वोल्ट्स क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। तो जो मेरे लिए गेन होता है ये मेरे लिए यूनिटलेस क्वांटिटी होती है, जो गेन होता है मेरे लिए वो क्या होता है, मेरे लिए यूनिटलेस क्वांटिटी होती है, ठीक है। लेकिन ट्रांजिस्टर का एम्पलीफायर का एकमात्र पैरामीटर गेन नहीं होता, एकमात्र पैरामीटर गेन नहीं होता, और भी बहुत सारे पैरामीटर होते हैं। ये जो मैं लिखा हूं आपके लिए क्या है, आपके लिए ओवरऑल वोल्टेज गेन, ये हो गया आपके लिए ओवरऑल वोल्टेज गेन, ठीक है, ओवरऑल वोल्टेज गेन। अब ध्यान से देखते रहिएगा, है ना। अब देखो ये मेरे लिए एक सोर्स है, ये मेरे लिए एक सोर्स वोल्टेज है, ठीक है। अगर मैं वोल्टेज कनेक्ट करूंगा, रजिस्टर लगा हुआ है, तो इस वोल्टेज से करंट फ्लो करेगा, इस वोल्टेज से करंट फ्लो करेगा। तो सपोज करो इस करंट को मान लेता हूं मैं आई एस, ये क्या है, सोर्स करंट, ये क्या है आपके लिए, सोर्स करंट। दो आपको फिगर में आई वन और आई एस दोनों एक ही दिख रहे हैं, तो हम मान लेते हैं कि आई एस और आई वन इक्वल है, ठीक। अब मैं जानना चाहता हूं कि मेरे ट्रांजिस्टर का इनपुट इम्पीडेंस कितना है, मेरे ट्रांजिस्टर का इनपुट इम्पीडेंस कितना है, ठीक। तो यहां पे मैं एक ऐसा एरो ड्रॉ करूंगा आपके लिए, ठीक है, ये ड्रॉ किया मैं आपके लिए एरो, और यहां पे लिखा मैं आर इन, ठीक है, यहां पे लिखा मैं आर इन। अब बहुत बार देखोगे फिगर में ऐसा एक एरो बना रहता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका इनपुट रेजिस्टेंस बोलते हैं। इस एरो का सिग्निफिकेंस क्या है देखते हैं हम लोग, ठीक है। जहां पे ये एरो बना हुआ है ना, इस पॉइंट पे खड़े होकर मैं आगे देखूंगा, इस पॉइंट पे खड़े होकर मैं आपके लिए आगे देखूंगा, तो इससे मुझको पता चलेगा कि मेरा इनपुट रेजिस्टेंस कितना है, मुझको यहां से कितना रेजिस्टेंस दिख रहा है, या मुझको इस पॉइंट से कितना रेजिस्टेंस ऑफर हो रहा है, ये होगा यहां पे इनपुट रेजिस्टेंस, ठीक है। अब ध्यान से अगर आप यहां पे खड़े हो तो आपको सामने में एक वोल्टेज दिख रहा है, वोल्टेज V1 दिख रहा है, और एक करंट I1 दिख रहा है जो V1 से निकल रहा है, ठीक है। तो आपको वोल्टेज दिख रहा है, करंट दिख रहा है, रेजिस्टेंस क्या होता है आपके लिए, रेजिस्टेंस होता है आपके लिए वोल्टेज बाय करंट, ठीक। तो जिस पोजीशन पे एरो बना हुआ है, आर इन जहां पे आपके लिए बना हुआ है, ठीक है, तो इस आर इन को देखो अगर आप ध्यान से, तो यहां पे एक वोल्टेज V1 है और एक करंट I1 है, तो इनपुट
रेजिस्टेंस को मैं डिफाइन कर सकता हूँ ऐसा, आर इन इक्वल टू वी वन अपॉन आई वन, ठीक है। ये हो गया मेरा इंटरनल इनपुट रेजिस्टेंस। मैं इसको देखिए वर्ड को ध्यान देना, इसको क्या बोल रहा हूँ मैं, इंटरनल इनपुट रेजिस्टेंस बोल रहा हूँ। इंटरनल इनपुट रेजिस्टेंस क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जहाँ पे ये एरो बना हुआ है ना, वहाँ पे आपका आर एस काउंट नहीं हो रहा है, वहाँ पे आपका आर एस काउंट नहीं हो रहा है, ठीक है। आर एस तो उस एरो के पीछे, आर एस तो उस एरो के पीछे है, तो मुझको उस पोजिशन पर खड़े होकर देखना बहुत जरूरी है, मुझको उस पोजिशन पर खड़े होकर देखना बहुत जरूरी है कि मेरा कितना रेजिस्टेंस उस पॉइंट के बाद ऑफर हो रहा है, ठीक। तो इसको मैं बोल रहा हूँ आपके लिए इंटरनल इनपुट इंपीडेंस या रेजिस्टेंस, ठीक। इंटरनल इनपुट इंपीडेंस या फिर रेजिस्टेंस, क्योंकि प्योर रेजिस्टिव दिख रहा है आपको, है ना। अब देखो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको इंटरनल रेजिस्टेंस बोल रहा हूँ, मैं आपको इंटरनल रेजिस्टेंस बोल रहा हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, एक दूसरा एरो बनाता हूँ, एक दूसरा एरो बनाता हूँ, ठीक। ये एरो मैं यहाँ बना दिया, ये हो गया मेरे लिए आर इन डैश, ये हो गया मेरे लिए आपके लिए आर इन डैश, ठीक है। तो अब मुझको यहाँ से रेजिस्टेंस देखना है, क्लियर। अब मैं यहाँ से रेजिस्टेंस देखने वाला हूँ, ठीक। इसके पहले और कोई रेजिस्टेंस है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है। तो मैं ऑलमोस्ट एक्सटीरियर ऑफ द नेटवर्क से रेजिस्टेंस देख रहा हूँ, मैं पूरे नेटवर्क के बाहर से देख रहा हूँ, इसके अलावा और कोई रेजिस्टेंस इंक्लूडेड नहीं है, क्लियर। इसके अलावा कोई और रेजिस्टेंस इंक्लूडेड नहीं है, मैं आउटर मोस्ट टर्मिनल से आपका एरो ड्रॉ किया, ठीक। तो इसको मैं बोलूंगा टोटल इनपुट रेजिस्टेंस या फिर टोटल इनपुट इंपीडेंस, क्लियर हुआ। तो एरो का पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको क्वेश्चन में कभी भी मेंशन नहीं करेगा कि वो आपसे इंटरनल पूछ रहा है कि वो आपसे एक्सटर्नल पूछ रहा है, आपको एरो देख के जज करना है कि आप इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने वाले हो कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस निकालने वाले हो, क्लियर। अब देखो बहुत बेसिक देखे हो गए आप लोग, सीरीज रजिस्टर पैरेलल रजिस्टर, ठीक है। दो रजिस्टेंस सीरीज में होते हैं आर वन और आर टू, तो हम लोग क्या बोलते थे, इक्विवेलेंट रजिस्टर आर वन प्लस आर टू। अगर दो रजिस्टर पैरेलल में होते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं, वन अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल टू वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अगर दो रजिस्टर है उसका मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल रहा हूँ, उसका मतलब क्या है कि मैं उस दो रजिस्टर को एक रजिस्टेंस से रिप्लेस करने वाला हूँ, क्लियर। उसको मैं दो रजिस्टर को एक रजिस्टेंस से रिप्लेस करने वाला हूँ, ठीक। अब मुझको मालूम है कि अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, अगर मैं इस पॉइंट पे खड़ा हूँ, तो मुझको मालूम है भाई यहाँ पे क्या होने वाला है, इसके आगे मुझको आर इन रजिस्टेंस ऑफर होने वाला है, इसके आगे मुझको आर इन रजिस्टेंस ऑफर होने वाला है। तो मैं क्या करूँगा, इसके बाद जो कुछ भी बना हुआ है, जो कुछ भी बना हुआ है, उस पूरे को मैं रिप्लेस कर दूंगा एक सिंगल रजिस्टर से, उस पूरे को मैं रिप्लेस कर दूंगा एक सिंगल रजिस्टर से, क्लियर हुआ। तो मैं क्या करता हूँ, इस पॉइंट पे खड़ा होता हूँ जहां से मैं आर इन दिख रहा था, आर इन क्या था मेरे लिए इंटरनल इनपुट रजिस्टेंस, ठीक। तो मैं रिप्लेस कर देता हूँ इसको, ये बना मेरा सोर्स, ये हो गया आर एस, ठीक, ये हो गया मेरे लिए आर एस, ठीक, ये हो गया बी एस, ये हो गया मेरे लिए आर एस, ठीक है। उसके बाद मेरा एरो बना है आर इन वाला, आर इन डैश वाला नहीं, आर इन वाला एरो बना हुआ है, ठीक। तो उसके बाद के पूरे नेटवर्क को मैं रिप्लेस कर देता हूँ आर इन से, इसके बाद के पूरे नेटवर्क को मैं रिप्लेस कर देता हूँ आर इन से, ठीक है। तो ये हो गया मेरा रिप्लेस्ड आर इन से, ठीक, ये हो गया रिप्लेस मेरे लिए आर इन से। और मैं कहां से देख रहा हूं अपना आर इन डैश, यहां से देख रहा हूं, आर इन डैश में यहां से देख रहा हूं, क्लियर, ठीक है। तो आर इन क्या हो जाएगा मेरे लिए, आर इन डैश हो जाएगा मेरे लिए आर एस प्लस आर इन, क्लियर। तो ये हो गया मेरे लिए आर एस प्लस आर इन, ठीक है। ये बताने का मेरा मोटिव ये था कि जो आपका एक्सटर्नल इंपीडेंस है, जो आपका एक्सटर्नल इंपीडेंस है वो डिपेंड करता है इंटरनल इंपीडेंस पे, वो डिपेंड करता है इंटरनल इंपीडेंस पे। जो मेरा आर इन था उस पे आर इन डैश डिपेंड कर रहा है, अगर आर इन की वैल्यू ज्यादा होगी तो ऑफकोर्स आर इन डैश की वैल्यू और ज्यादा होगी, क्लियर, ठीक है। तो आपको एरो देख के जज करना है, आपको एरो देख के जज करना है कि यहाँ पे आप इंटरनल इंपीडेंस लिखने वाले हो कि एक्सटर्नल इंपीडेंस लिखने वाले हो, ठीक है। तो एरो का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रहेगा आपके एम्पलीफायर वाले सेक्शन में, जो हम लोग पूरा मॉडल ड्रॉ करेंगे एम्पलीफायर का, तो एरो कहाँ पे बना है, आप इंटरनल इंपीडेंस लेने वाले हो कि एक्सटर्नल इंपीडेंस लेने वाले हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। एक पैरामीटर की बात किया था मैं आपके लिए, एक पैरामीटर डिफाइन किया था आपके लिए मैं वोल्टेज गेन वी टू बाय वी वन, एक पैरामीटर डिफाइन किया था आपके लिए वोल्टेज गेन, है ना, वी टू बाय सॉरी वी नॉट बाय वी एस, है ना, वी नॉट बाय वी एस मैं आपके लिए डिफाइन किया था, ठीक है। तो ये हो गया मेरा इनपुट इंपीडेंस वाला पार्ट। अब मैं थोड़ा सा गेन के ऊपर फोकस करता हूँ, थोड़ा सा मैं गेन के ऊपर फोकस करता हूँ, ठीक है। जैसे हम लोग देखें आपके लिए इंटरनल इनपुट इंपीडेंस,
वैसे ही हम लोग आप देखेंगे इंटरनल वोल्टेज गेन, फिर हम देखेंगे एक्सटर्नल वोल्टेज गेन। एक्सटर्नल इनपुट इम्पिडेंस को हम लोग टोटल इनपुट इम्पिडेंस भी बोलते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल इनपुट इम्पिडेंस को हम लोग टोटल इनपुट इम्पिडेंस भी बोलते हैं, ठीक। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ इंटरनल वोल्टेज गेन, मैं दिखाता हूँ आपको इंटरनल वोल्टेज गेन। इंटरनल वोल्टेज गेन को मैं बोल रहा हूँ आपके लिए ए बी, ठीक। और इंटरनल वोल्टेज गेन को मैं डिफाइन करूंगा इनपुट टर्मिनल से, ये हो गया इनपुट वोल्टेज वी वन, ये हो गया आउटपुट वोल्टेज वी टू, ठीक। तो मेरा इंटरनल वोल्टेज गेन हो जाएगा वी टू बाय वी वन, ये क्या है मेरे लिए इंटरनल वोल्टेज गेन, क्योंकि मैं इनर टर्मिनल को कंसिडर कर रहा हूँ, मैं आउटर टर्मिनल को कंसिडर अभी तक के नहीं किया हूँ, ठीक। तो ये हो गया क्या मेरे लिए इनर इंटरनल वोल्टेज गेन, इंटरनल वोल्टेज गेन, ठीक है। ये हो गया मेरे लिए इंटरनल वोल्टेज गेन, ठीक। अब देखो मैं इसके आपके लिए एक्सटर्नल वोल्टेज गेन, तो बाद में आराम से लिख लेना है ना, बाद में आराम से लिख लेना, पहले देख लो, ठीक। तो अब मैं आपने कंसिडर करता हूँ एक्सटर्नल वोल्टेज गेन या फिर टोटल वोल्टेज गेन। एक्सटर्नल वोल्टेज गेन देखते हैं या फिर टोटल वोल्टेज गेन देखते हैं, ठीक है। टोटल वोल्टेज गेन की बात करूँ अगर मैं, तो टोटल वोल्टेज गेन हो जाएगा मेरे लिए ए वी एस। नोटेशन थोड़ा चेंज कर दिया मैं, इंटरनल को ए वी माना था, एक्सटर्नल को ए वी एस मान ले रहा हूँ, ठीक। ये होगा मेरे लिए बराबर वी नॉट अपॉन वी एस के, जो स्टार्टिंग में डिफाइन किया था मैं आपके लिए, है ना। ये होगा बराबर आपके लिए वी नॉट और वी नॉट डिवाइडेड बाय वी एस के, ठीक। अब मुझको बेसिकली यहाँ पे देखना है आपका इंटरनल वोल्टेज गेन और एक्सटर्नल वोल्टेज गेन के बीच में रिलेशन, ठीक है, कि इन दोनों के बीच में रिलेशन है कि नहीं है, अगर है तो कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा, ये हमको देखना है, ठीक है। दोनों को डिफाइन कर चुका हूँ मैं आपके लिए, एक आपके लिए इंटरनल वोल्टेज गेन है, एक आपके लिए एक्सटर्नल वोल्टेज गेन है, ठीक। अगर ध्यान से आप फिगर को देखो तो आपका V2 और V0 सेम है, देखो ये आपका V2 है, ये आपका V0 है, दोनों वोल्टेज पैरेलल में, पैरेलल में तो वोल्टेज सेम होता है, पैरेलल में तो वोल्टेज सेम होता है ना, तो आपका V0 और V2 बराबर है, आपका V0 और V2 क्या है बराबर है, ठीक। तो V0 को मैं V2 के बराबर लिख सकता हूँ, V0 और V2 बराबर है, दिख रहा है फिगर में आपको, दोनों पैरेलल में वोल्टेज बना हुआ है, ठीक है। लेकिन आपका Vs और V1 बराबर नहीं है, आपका Vs और V1 बराबर नहीं है। अगर Vs और V1 बराबर होता, बराबर कब होता, अगर मैं यहाँ से RS को हटा देता हूँ, RS को हटा के मैं शॉर्ट सर्किट कर देता हूँ, ठीक है, तब आपका V1 और Vs बराबर हो जाता। अगर ऐसा होता कि V0 बराबर V2 है और Vs बराबर V1 है, तो आपका इंटरनल और एक्सटर्नल वोल्टेज गेन दोनों का दोनों आपके लिए क्या हो जाता, सेम हो जाता, बराबर हो जाता, ठीक है। कब, जब आपका आर एस यहाँ से एबसेंट होता। आपको बहुत मीनिंग क्लियर रहे कि आर एस यहाँ पे वो फैक्टर है जो चेंज कर रहा है आपके इंटरनल वोल्टेज गेन को और एक्सटर्नल वोल्टेज गेन को, क्लियर। तो अगर यहाँ से आर एस एबसेंट होता तो दोनों सेम हो जाता, लेकिन फिलहाल तो आर एस प्रेजेंट है, मैक्सिमम केस में आपके लिए आर एस प्रेजेंट ही रहेगा, अगर क्वेश्चन की बात करूँ मैं, है ना, तो मैक्सिमम केस में आपके लिए आर एस प्रेजेंट रहेगा, ठीक। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे वी वन और वी एस के रिलेशन की, वी वन और वी एस के रिलेशन की बात करता हूँ, ठीक। तो एक बहुत अच्छा नेटवर्क मेरे पास बना हुआ है यहाँ पे, ये नेटवर्क मेरे काम आ जाएगा, ये नेटवर्क मेरे लिए काम आ जाएगा, क्योंकि जहाँ पे मैं आर इन ड्रॉ किया था ना, जहाँ पे मैं आर इन ड्रॉ किया था, आर इन डैश नहीं बोल रहा हूँ, आर इन बोल रहा हूँ, ठीक है। जहाँ पे मैं आर इन ड्रॉ किया था वहीं पे तो आपका वी वन बना हुआ है, वहीं पे तो आपका वी वन बना हुआ है, वहीं उसी दो पॉइंट से तो मैं लगाया हूँ, जो मेरा आर इन रेजिस्टेंस लगा हुआ है मैं वन और टू के बीच में तो लगाया हूँ, ठीक है। मतलब जो आर इन के अक्रॉस वोल्टेज एग्जिस्ट कर रहा है वो और कुछ वोल्टेज नहीं, वो वी वन वोल्टेज एग्जिस्ट कर रहा है, वहाँ पे जो वोल्टेज एग्जिस्ट कर रहा है वो वी वन वोल्टेज एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक। तो यहाँ पे वोल्टेज क्या है आपके लिए V1, ठीक। अब एक सीरीज नेटवर्क बना हुआ है आपके पास, बहुत आसानी से आप वोल्टेज डिवीजन रूल लगा के V1 की वैल्यू बता सकते हो मेरे को, ठीक। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे वोल्टेज डिवीजन रूल लगाता हूँ, V1 की वैल्यू हो जाएगी मेरे लिए V1 इक्वल टू वी एस इन टू आर इन अपॉन आर इन प्लस आर एस, ठीक। पूरा V1 का वैल्यू लिख डाला मैं, ठीक है। अब देखो जो मेरा एक्सप्रेशन है ए वी एस का, ये क्या है V0 बाय वी एस है, ठीक। इसको दोबारा लिखता हूँ मैं, ये लिखा मैं आपके लिए ए वी एस इक्वल टू वी नॉट बाय वी एस, ठीक है। इसमें क्या करता हूँ मैं आपके लिए वी नॉट बाय वी वन कर देता हूँ इन टू वी वन बाय वी एस कर देता हूँ, ठीक। देखो वी वन कट जाएगा तो आपके लिए वही बचेगा, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे देखो, इस एक्सप्रेशन को देखो, यहाँ से मुझको वी वन बाय वी एस की वैल्यू मिल गई, ये क्या हो गया आर इन अपॉन आर एन प्लस आर एस, ठीक है। अब देखो वी नॉट और वी वन को, ठीक है, वी नॉट वी टू के बराबर है, वी नॉट वी टू के बराबर है, तो एक्चुअली ये वाला फैक्टर क्या है वी टू बाई वी वन है, एक्चुअली ये वाला फैक्टर वी टू बाई वी वन है, वी टू बाई वी वन है मतलब क्या इंटरनल वोल्टेज गेन है, इंटरनल वोल्टेज गेन है मतलब क्या ए वी है,
तो फर्स्ट वाले फैक्टर को मैं आपके लिए AV लिख सकता हूँ, तो मैं आपके AVS को, मैं आपके AVS को AV लिख दूंगा, बिल्कुल ठीक है, AVS को मैं AV लिख दिया आपके लिए, क्लियर। और जो मेरा V1 बाय VS का रेशो है उसका वैल्यू क्या पता है मुझको, उसका वैल्यू क्या है, RN अपॉन RN प्लस RS, ठीक। तो ये हो गया मेरे लिए इंटू RN अपॉन RN प्लस RS, क्लियर। वैल्यू ये हो गया आपके लिए AVS का वैल्यू, मतलब जो आपका एक्सटर्नल वोल्टेज गेन है, जो आपका एक्सटर्नल वोल्टेज गेन है वो डिपेंड कर रहा है आपके इंटरनल वोल्टेज गेन पे, वो डिपेंड कर रहा है आपके इंटरनल वोल्टेज गेन पे। अगर आप अपने इंटरनल वोल्टेज गेन को एक फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे RN अपॉन RN प्लस RS से, ठीक है, तो आपको एक्सटर्नल वोल्टेज गेन मिल जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा और उसको ध्यान से देखो, जो सेकंड टर्म लिखा हूं मैं RN अपॉन RN प्लस RS, ठीक है, वो जो टर्म है उसकी वैल्यू 1 से कम है, उसकी वैल्यू 1 से कम है, क्योंकि आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, ठीक है, इसका उसकी वैल्यू क्या है, 1 से कम है। तो अगर आपका जो इंटरनल वोल्टेज गेन AV है वो मल्टीप्लाई हो रहा है एक ऐसे नंबर से जिसकी वैल्यू 1 से कम है, जिसकी वैल्यू 1 से कम है, मतलब आपका इंटरनल वोल्टेज गेन बड़ा नंबर है, एक्सटर्नल वोल्टेज गेन आपका छोटा नंबर है, क्लियर हुआ। लिमिटिंग केस में इंटरनल और एक्सटर्नल वोल्टेज गेन बराबर होगा। लिमिटिंग केस क्या होगा, जब वहां पे RS गायब रहेगा, जब वहां से RS एबसेंट रहेगा, तब आपके लिए वहां पे RS को जीरो पुट कर दो आप, RS एबसेंट मतलब RS जीरो, तो RN / RN 1, तो AVS इक्वल टू AV, तो क्या क्लियर हुआ आपको, आपका इंटरनल वोल्टेज गेन हमेशा बड़ा नंबर होता है, आपका इंटरनल वोल्टेज गेन हमेशा बड़ा नंबर होता है, टोटल वोल्टेज गेन छोटा होता है इंटरनल वोल्टेज गेन से, सबको क्लियर, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं यहां पे आपके लिए कि जो आपका AVS है ये लेस देन इक्वल टू AV होगा, ठीक, लिमिटिंग केस पे ये दोनों बराबर रहेंगे, वो लिमिटिंग केस क्या है आपके लिए, RS इक्वल टू जीरो वाला, क्लियर, नोट करो उसको। इसमें से एक क्या था आपके लिए, इनपुट इम्पिडेंस था, एक था आपके लिए वोल्टेज गेन, ठीक है। तो एक और पैरामीटर लिखता हूं मैं यहां पे, आउटपुट इम्पिडेंस, ठीक है, एक और पैरामीटर देखते हैं हम लोग क्या यहां पे, आउटपुट इम्पिडेंस, ठीक है। अगर मुझको आउटपुट इम्पिडेंस देखना है तो मैं यहां पे एक एरो ड्रॉ करता हूं, ये हो गया मेरे लिए आउटपुट इम्पिडेंस, ठीक, यहां पे एक एरो ड्रॉ किया मैं, ये होगा मेरे लिए इंटरनल आउटपुट इम्पिडेंस। जब मैं आपका इंटरनल इनपुट इम्पिडेंस देख रहा था तब मैं आपके लिए सोर्स रेजिस्टेंस को काउंट नहीं किया था, ठीक है, तब आपके लिए मैं सोर्स रेजिस्टेंस को काउंट नहीं किया था, ठीक है। वैसे जब मैं आपके लिए इंटरनल आउटपुट इंपेडेंस देख रहा हूं तो मैं आपके लिए लोड रेजिस्टेंस को काउंट नहीं कर रहा हूं, क्लियर, मैं आपके लिए लोड रेजिस्टेंस को काउंट नहीं कर रहा हूं। तो आपको आर नॉट का डायरेक्शन दिख रहा है, ठीक, इसी पॉइंट पे खड़े होते हैं और देखते हैं कि यहां पे आपका इंपेडेंस क्या होगा, ठीक। वहां पे क्या लिखे थे हम लोग, यहां पे सीधा आपने लिख लिए थे V1 / I1, यहां पे लिखा था मैं आपके लिए V1 / I1, यहां पे क्या लिखूंगा, V2 अपॉन I2, यहां पे लिखूंगा मैं आपके लिए V2 अपॉन I2, यहां पे लिख दिया मैं आपके लिए V2 अपॉन I2, करेक्ट है क्या ये, करेक्ट है, माइनस आएगा, कहां माइनस आएगा, अरे माइनस आना होगा तो आखिरी में आ जाएगा, जब करंट का डायरेक्शन लेंगे तो करंट बाय डिफॉल्ट नेगेटिव आएगा, माइनस पाना होगा तो माइनस आ जाएगा। रेजिस्टेंस नेगेटिव होता है भाई, होता है ना, एक पैसिव नेटवर्क का रेजिस्टेंस ही पॉजिटिव हो सकता है, एक एक्टिव नेटवर्क का रेजिस्टेंस तो नेगेटिव भी हो सकता है, होता है। तो जो आपका पैसिव नेटवर्क होता है, उसका रेजिस्टेंस ही पॉजिटिव होता है। रेजिस्टेंस क्या होता है, वोल्टेज और करंट का रेशो होता है। अगर आपका वोल्टेज भी इंक्रीजिंग फंक्शन है, आपका करंट भी इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो दोनों का स्लोप अगर पॉजिटिव है तो रेजिस्टेंस पॉजिटिव होगा। इसी को तो हम लोग पैसिव नेटवर्क बोलते हैं, ठीक है। एक्टिव नेटवर्क क्या होता है, वोल्टेज या करंट में से कोई ना कोई एक आपका डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, ठीक है, तो आपका रेजिस्टेंस नेगेटिव हो जाएगा। एकदम नॉर्मल सी बात है, ऑप एम्प वगैरह का रेजिस्टेंस नेगेटिव भी होता है, ऑप एम्प वगैरह का रेजिस्टेंस, जो भी आपका एक्टिव डिवाइस होता है उसका रेजिस्टेंस नेगेटिव भी होता है। नेटवर्क पढ़ लिया ना सब लोग, फर्स्ट चैप्टर में तो है एक्टिव एंड पैसिव, वहाँ पे हम लोग ग्राफ बनाए हैं वी और आई का। अगर आपका फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में आपका VI कैरेक्टरिस्टिक बनता है तो वो आपके लिए पैसिव नेटवर्क होता है, है ना। अगर आपका सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में थोड़ा भी पार्ट जाता है आपके इंपेडेंस कैरेक्टरिस्टिक का तो वो आपके लिए एक्टिव नेटवर्क होता है ना। नेटवर्क में ध्यान होगा आपको, भूल गए होगे शायद, ठीक है। अब मैं लिखा यहाँ पे V2 / I2, ठीक है, यहाँ पे V2 / I2 पूरा करेक्ट नहीं है,
यहाँ पे V2 by I2 मेरे लिए पूरा करेक्ट नहीं है, मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूँ आपके लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देख रहा हूँ या इक्विवेलेंट आउटपुट रेजिस्टेंस देख रहा हूँ। जब भी हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वगैरह देखते हैं ना तो हम लोग थेवेनिन रेजिस्टेंस के स्टाइल में देखते हैं। थेवेनिन रेजिस्टेंस में क्या करते हैं, हम लोग सारे के सारे इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स को या करंट सोर्स को जीरो कर देते हैं। जब भी हम लोग थेवेनिन रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं तो आपके सारे इंडिपेंडेंट सोर्स को जीरो कर देते हैं या फिर उसके इंटरनल इंपेडेंस से रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, मुझको सारे के सारे इंडिपेंडेंट सोर्स को जीरो पुट करना होगा, ठीक। अब बोल रहे होगे सर पहले वाले में तो ऐसा नहीं किए थे, है ना, पहले वाले में तो ऐसा नहीं किए थे हम लोग, वो भी तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस था ना। तो यहाँ पे एक्चुअली एक ही इंडिपेंडेंट सोर्स है, वो इंडिपेंडेंट सोर्स आपके लिए वी एस है, ठीक है। यहाँ पे जो मैं एरो ड्रॉ किया हूँ उस पर तो वी एस काउंट ही नहीं हो रहा है, दोनों एरो में वी एस काउंट है, उसमें जीरो करूँ ना करूँ फर्क नहीं पड़ता, उसको मैं जीरो करूँ ना करूँ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पे जब मैं देख रहा हूँ डायरेक्शन तो वी एस काउंट हो रहा है। यहाँ पे तो एंड तक सारे के सारे एलिमेंट्स काउंट हो रहे हैं ना, अगर मैं यहाँ से देख रहा हूँ तो मेरा वी एस काउंट हो रहा है तो मुझको वी एस को जीरो करना पड़ेगा, यहाँ पे मुझको वी एस को जीरो करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे जब मैं खड़ा हूँ तो वी एस मेरे कंसिडरेशन के बाहर है, मैं तो इस साइड देख रहा हूँ ना, पीछे देख ही नहीं रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे भी मैं आगे देख रहा हूँ पीछे नहीं देख रहा हूँ, तो वी एस मेरे लिए काउंट ही नहीं हो रहा है, वी एस मेरे लिए काउंट ही नहीं हो रहा है, तो जीरो रहे ना रहे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ना है, क्लियर सबको। लेकिन यहाँ पे फर्क पड़ना है, यहाँ पे फर्क पड़ना है। तो जब भी आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लिख रहे हो तो आपका स्टाइल एकदम जैसे आप थेवेनिन रेजिस्टेंस लिख रहे हो उस तरीके से होना चाहिए। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मतलब क्या, थेवेनिन रेजिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया, मैं सारे के सारे इंडिपेंडेंट सोर्स को आपके लिए जीरो कर दिया, ठीक। लेकिन ये क्या है मेरे लिए, ये मेरा इंटरनल आउटपुट इंपिडेंस है, ये क्या है मेरा इंटरनल आउटपुट इंपिडेंस। अगर मुझको एक्सटर्नल आउटपुट इंपिडेंस देखना है, तो मुझको आउटर मोस्ट टर्मिनल से देखना पड़ेगा, ठीक। मतलब मैं यहाँ से देखूंगा, ये हो गया मेरे लिए आर नॉट डैश, ये क्या हो गया मेरे लिए आर नॉट डैश। तो आर नॉट क्या है एक्चुअली मेरे लिए, आर नॉट है मेरा इंटरनल आउटपुट इंपिडेंस, ये मेरे लिए इंटरनल आउटपुट इंपिडेंस। आर नॉट डैश क्या है मेरे लिए, एक्सटर्नल आउटपुट इंपिडेंस, क्लियर। ये हो गया मेरा एक्सटर्नल आउटपुट इंपिडेंस, ठीक है। अब अगर मैं आपके लिए आर नॉट डिफाइन कर चुका हूं, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस नेटवर्क को यहाँ से आर नॉट से रिप्लेस कर दूंगा, आगे कुछ भी रहे यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, इसको आर नॉट से रिप्लेस कर दूंगा, इन दो टर्मिनल से यहाँ पे एरो बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक रेजिस्टेंस ड्रॉ किया मैं आपके लिए, ठीक। इसकी वैल्यू है मेरे लिए आर नॉट के बराबर, ठीक। इसके बाद लगा है मेरे पास आर एल, ठीक। और यहां से देख रहा हूं मैं आपके लिए एक्सटर्नल आउटपुट इंपिडेंस। तो एक्सटर्नल आउटपुट इंपिडेंस क्या होगा आपके लिए, एक्सटर्नल आउटपुट इंपिडेंस हो जाएगा आपके लिए आर नॉट पैरेलल विथ आर एल, मतलब आर नॉट इंटू आर एल अपॉन आर नॉट प्लस आर एल, क्लियर। ये हो जाएगा क्या आपके लिए, एक्सटर्नल आउटपुट इंपिडेंस, ठीक है। तो आपका एक्सटर्नल आउटपुट इंपिडेंस भी इंटरनल आउटपुट इंपिडेंस पर डिपेंड कर रहा है, आपका एक्सटर्नल इनपुट इंपिडेंस भी इंटरनल इनपुट इंपिडेंस पर डिपेंड कर रहा था, आपका एक्सटर्नल वोल्टेज गेन भी इंटरनल वोल्टेज गेन पर डिपेंड कर रहा था, क्लियर हुआ। तो सारे के सारे जो एक्सटर्नल बोलूं या टोटल बोलूं एक ही बात है, ठीक है। एक्सटर्नल वोल्टेज गेन बोलूं या टोटल वोल्टेज गेन बोलूं, ठीक। एक्सटर्नल इनपुट इंपिडेंस बोलूं या टोटल इनपुट इंपिडेंस, वो सब सेम बात है, ठीक है। तो ये सब इंटरनल पे डिपेंड करता है, सारे के सारे इंटरनल पैरामीटर्स पे डिपेंड करते हैं। तीन चीज देखे हम अभी तक के, है ना, एक हो गया आपका इनपुट रेजिस्टेंस, एक हो गया आपका आउटपुट रेजिस्टेंस, एक हो गया आपका वोल्टेज गेन, ठीक। एक चीज और एग्जिस्ट करेगी आपके लिए करंट गेन, एक चीज और एग्जिस्ट करेगी आपके लिए क्या, करंट गेन, ठीक है। तो करंट गेन भी लिख देता हूँ यहाँ पे मैं, ठीक है, फिर साथ में नोट कर लेना, ठीक। अगर मैं डिफाइन करूँ करंट गेन, ठीक, तो करंट गेन भी होगा मेरे लिए इंटरनल करंट गेन होगा और एक एक्सटर्नल करंट गेन होगा, ठीक। तो इंटरनल करंट गेन क्या होगा बताओ, हाँ, I2 by I1, ठीक। तो ये होगा मेरे लिए I2 by I1, करेक्ट है क्या, माइनस साइन आएगा, माइनस साइन क्यों आएगा, जो I2 है वो मेरे लिए टू पोर्ट करंट है,
जो I2 है वो मेरे लिए टू पोर्ट करंट है, और टू पोर्ट करंट को देख के कभी भी मैं गेन डिफाइन नहीं करता हूँ, मैं लोड करंट को देख के गेन डिफाइन करता हूँ। और एक्चुअली लोड करंट क्या होगा, ये होगा मेरा IL, लोड करंट। तो लोड करंट और पोर्ट करंट दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है मगर डायरेक्शन डिफरेंट है, क्लियर। तो यहाँ पे करंट गेन क्या हो जाएगा मेरे लिए, एक माइनस साइन आएगा, क्योंकि हमेशा मैं लोड के रिस्पेक्ट में डिफाइन करूंगा, हमेशा मैं लोड करंट के रिस्पेक्ट में डिफाइन करूंगा, और लोड करंट का डायरेक्शन पोर्ट करंट से हमेशा अपोजिट होता है, क्लियर। ये क्या है मेरे लिए, ये मेरे लिए इंटरनल करंट गेन है, ये क्या है मेरे लिए इंटरनल करंट गेन, ठीक। अब मैं दिखाता हूं आपको एक्सटर्नल करंट गेन। एक्सटर्नल करंट गेन क्या होगा आपके लिए, I1 IS सेम है, I1 और IS सेम है, IL और I2 भी सेम है विथ अपोजिट साइन, IL और I2 भी सेम है विथ आपके लिए अपोजिट साइन, क्लियर। तो इंटरनल करंट गेन हो या एक्सटर्नल करंट गेन हो, दोनों सेम होंगे, दोनों आपके लिए क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक। अगर दोनों को डिफरेंट करना है, अगर दोनों को डिफरेंट करना है तो फिर आपको I2 और I1 को चेंज करना पड़ेगा, मतलब आपका IS और I1 जब एक दूसरे के बराबर नहीं होगा तो भी डिफरेंट होगा, समझ में आई बात। अगर I1 IS डिफरेंट है तो फिर बात खत्म, चेंज होगा दोनों। अगर I1 IS को डिफरेंट होना है तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस लगाऊंगा ताकि करंट डिवाइड हो, ताकि करंट डिवाइड हो और I1 और IS बराबर ना हो। तो अगर यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस लगा होता तो फिर मेरा इंटरनल और एक्सटर्नल करंट गेन सेम नहीं होता, ठीक। वैसे ही अगर I2 और IL डिफरेंट हो तो भी मेरा काम बन जाएगा। तो अगर यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस लगा देता पैरेलल में तो भी करंट डिवाइड होता, I2 दो पार्ट में, IL और इसमें, तो भी आपका IL और I2 सेम नहीं होता। तो अगर इस नेटवर्क में मैं लोड साइड में या सोर्स साइड में पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा दे, दोनों में से किसी भी एक जगह, तो आपका एक्सटर्नल और इंटरनल करंट गेन क्या हो जाता, चेंज हो जाता, ठीक। आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया मैं एम्पलीफायर का, आपको मैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया, यहाँ पे कहीं पे भी मैं आपको कैलकुलेट करके नहीं दिखाया R0 की वैल्यू कितनी है, RIN की वैल्यू कितनी है, कैलकुलेट करके नहीं दिखाया आपको मैं, है ना। मैं सिर्फ आपको थोड़ा सा एरो को हैंडल करना बताया कि कहीं पे एरो बना हुआ है अगर तो वो कैसे उसको हैंडल करना है, ठीक। बेसिकली हम लोग यहाँ पे चार पैरामीटर देखें, ठीक। चार पैरामीटर कौन कौन से थे, एक तो था मेरे लिए इनपुट इम्पिडेंस, ठीक, एक था मेरे लिए आउटपुट इम्पिडेंस, एक था मेरे लिए वोल्टेज गेन, एक था मेरे लिए करंट गेन। मैं आपको चार पैरामीटर दिखाया, मैं चार पैरामीटर आपको स्टार्टिंग में ही इस कारण दिखा दिया सो दैट आप मॉडलिंग को रिलेट कर सको, जब मैं मॉडल करूंगा इसको हाइब्रिड मॉडल में तो आप रिलेट कर सको। एक ट्रांजिस्टर को हम लोग हमेशा चार पैरामीटर से डिफाइन करते हैं, उसका वोल्टेज गेन कितना है, उसका करंट गेन कितना है, उसका इनपुट इम्पिडेंस कितना है, उसका आउटपुट इम्पिडेंस कितना है, ये सारी इंफॉर्मेशन मैंडेटरी है एक ट्रांजिस्टर को सेलेक्ट करते वक्त, ठीक। तो जब भी मैं ट्रांजिस्टर का इक्विवेलेंट मॉडल बनाऊंगा तब आपको बहुत जरूरी है कि उस मॉडल का पार्ट हो आपका इनपुट रेजिस्टेंस, उस मॉडल का पार्ट हो आपका आउटपुट रेजिस्टेंस, मॉडल का पार्ट हो आपका वोल्टेज गेन, उस मॉडल का पार्ट हो आपका करंट गेन, ठीक। तो ये चार पैरामीटर से हम ट्रांजिस्टर को डिफाइन करते हैं, और जब भी हम ट्रांजिस्टर की मॉडलिंग करेंगे तो इन चार पैरामीटर्स का वहां पे इन्वॉल्व होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्लियर। तो ये चार पैरामीटर हमारे लिए अब कंसर्न होने वाले हैं। तो जो भी मॉडलिंग होगी, इनपुट रेजिस्टेंस वहां आना चाहिए, आउटपुट रेजिस्टेंस वहां आना चाहिए, वोल्टेज गेन वहां पे आना चाहिए, करंट गेन भी वहां पे आना चाहिए, क्लियर। नोट करो उसको।